राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्विच ऑफ योर माइक्स। अपनी तरफ से माइक्स ऑफ कर दो एक बार। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप माइक ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो माइक दिखता है ना, माइक पे क्लिक कर देना वो ऑफ हो जाएगा। जब आपको बात करनी है तो माइक पे क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद रीडिंग दिस। यू कैन सी द स्क्रीन नाउ, देयर इज अ पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप ऑल्सो। When does this desktop appears on the screen? When we switch on the computer. So the desktop is the first screen that appears when we switch on the computer. इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है ऑन होने के बाद प्रॉपर, ये जो आप दिख रहे हो, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। A desktop provides an area फॉर फाइल्स फोल्डर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको एक एरिया प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, फाइल्स के लिए, फोल्डर्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, जिसको आप आसानी से खोल सकते हो। इसके ऊपर आइकन्स होते हैं, टास्क बार होती है, स्टार्ट बटन होता है और गैजेट्स आदि होते हैं। तो एक बार ये वाली स्क्रीन देखो, फिर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू आपको क्लियर करूंगा। इस स्क्रीन में देखो आपको दिखाया गया, आपकी बुक में भी आप आसानी से देख सकते हो। दिस होल स्क्रीन इज नोन एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो ये आपको पीछे देखो, ये सारा स्क्रीन सेवर, अपन इसको स्क्रीन सेवर भी बोल देते हैं, वॉलपेपर भी बोल देते हैं। स्क्रीन सेवर होता है, चलो वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो ये वॉलपेपर हो गया, जो इसकी बैकग्राउंड है ये ब्लू कलर की और बीच में डिजाइनिंग है, ये वॉलपेपर हो गया। और इसके ऊपर ये छोटे छोटे है ना, ये छोटे छोटे कौन है जी? हाँ जी बेटा, वो भी बताते हैं, वो भी बताते हैं। ये पहले वहाँ पे गैजेट्स पे आता हूँ, पहले आइकन का डिस्कस कर ले। वैसे गैजेट्स का मतलब होता है अलग अलग, जो नॉर्मली गैजेट्स होते हैं यंत्र, जैसे हमारा मोबाइल एक गैजेट है, ठीक है, बट जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के गैजेट्स हो गए अलग अलग, उसके इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्लॉक हो गया या कोई गेम्स का हो गया, कैलेंडर हो गया, वो कंप्यूटर के गैजेट्स हो गए जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं जल्दी से। उसकी कोई जिस लाइक कैलेंडर है, हम अपनी कोई मीटिंग्स हैं शेड्यूल करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक को टाइम देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गेम्स जो हैं वो प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारे उसके गैजेट्स हो गए जो उसके बीच में है। तो चलिए आइकन पे आते हैं। पहले ये आपको जब स्क्रीन आती है आपके सामने, अगर कोई लैपटॉप खोले हुए है तो वो लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, मैं भी आपको शो करूंगा, वेयर एज मोबाइल स्क्रीन पे भी होता है। तो आपको जो छोटे छोटे सारे एप्स के लोगोस दिखते हैं, ठीक है, उन पे क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, आइकन्स। ये देखो ये सारे इन्होंने बताया हुआ है आइकन्स, ठीक है। इसके बाद है, ये हमारी है टास्क बार, जिस ये नीचे जो पेटल है ये है टास्क बार, ठीक है। और इसके बाद जो इसके साथ ये छोटे छोटे आइकन आ रहे, सबसे पहले कौन सी पोजीशन पे आ गया ये, राइट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम पे जो ये बटन है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ कुछ आइकन्स हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस आइकन्स। क्विक मीन्स जल्दी से, क्योंकि ये क्विक एक्सेस किस लिए है, हमने इन चीज़ों में वो वाली चीज़ें रखी हैं जिसके हम डेली यूजेस करते हैं, रोजाना बेसिस पे हम इनको यूज़ करते हैं, और इनको लॉन्ग वे से जाने की बजाय हम सीधा यहाँ पे इसे क्लिक करके इनको ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और जो इसका राइट साइड है, यहाँ पर आपका ये किया हुआ है डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट एंड टाइम आता है, राइट। और ये गैजेट्स मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। चलो मैं अपने आपकी साथ आपके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ, तो उसमें हम क्लियर करते हैं कैसे क्या है। वो वाला मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। जैसे लाइक आपके पास भी लैपटॉप, जैसे आप लैपटॉप पे देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको आइकन्स दिख रहे होंगे, ठीक है। डेस्कटॉप शेयर करते हैं हम आपके साथ, विंडोज ही कर लें, विंडोज ही होगी, ओके।
ये देखो, ये सभी क्या हैं? आइकन्स। क्या हैं ये? हेलो, बताओ बेटे, अपना अपना माइक ऑन करके प्लीज रिस्पोंड कीजिए, जिनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस स्क्रीन पे, जो शेयरिंग शेयरिंग इज पॉज अंटिल यू रिटर्न टू योर शेयर्ड। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? डेस्कटॉप दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये देखो, ये पीसी है, नेटवर्क है, रिसाइकल बिन है, ये सभी क्या है? आइकन्स। सभी क्या है? और इनमें जैसे ये येलो कलर का है, जैसे मैंने इसको पॉइंट किया, ठीक है, और इसको पॉइंट किया, ये है फोल्डर। आइकन्स हैं बट ये फोल्डर है, येलो कलर में फोल्डर आते हैं, ठीक है। ये है जैसे पीडीएफ एक्रोबेट रीडर की फाइल, मतलब अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे वर्ड की फाइल ये रही, वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो ये भी ये फाइल्स हैं, ये सारे स्क्रीन पे आइकन्स भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट लाइक अब मैं ये नीचे शो कर रहा हूँ, ये सबसे पहले स्टार्ट बटन आ गया, ठीक है। विंडोज का फर्क है थोड़ा सा, तो हो जाता है ये स्टार्ट बटन। देखो मैंने जैसे ही इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर गया, ऊपर लिखा हुआ अभी आ गया स्टार्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो क्विक लॉन्च आइकन्स, ये सभी जैसे जो ओपन है वो भी आ गए टास्क बार में, और साथ में जिनको मैं इजीली एक्सेस करना चाहता हूँ डेली बेसिस पे, जिनको मैं यूज करता हूँ, वो सभी यहाँ पर हैं। और ये राइट साइड में टाइम का आ गया, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज है, साउंड का आ गया, नेट कनेक्शन का आ गया, हमारा चार्जिंग कितना है, ठीक है। तो ये सारे तो ये है हमारा डेस्कटॉप। ये क्या है? डेस्कटॉप। ओके, टर्न योर पेज नाउ, टर्न योर पेज ऑफ द बुक। सो अभी हमने सारा कुछ किया कि हमारे डेस्कटॉप पे बहुत सारा मटेरियल होता है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइकन्स के बारे में। अपने अपने माइक्स ऑफ कर दो एक बार। द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स, द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो छोटी छोटी लेबल लेबलिंग हो जाती है भी, हाँ ये क्या चीज है, कैसे है, क्या चीज है, इनका नाम लिखा हुआ है, तो उनका लेबलिंग हो जाता है। वो स्मॉल पिक्चर्स दिख रही हैं स्क्रीन पर, वो क्या है? आइकन। जो हमारे डेस्कटॉप पे छोटी पिक्चर्स दिख रही हैं उनका लेबलिंग भी हो रखा है, वो क्या है? आइकन्स, ठीक है। दे रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन द कंप्यूटर। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? कोई प्रोग्राम है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, फोल्डर है, कोई सॉफ्टवेयर है, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। यू कैन ओपन अ प्रोग्राम और अ डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। जिस भी चीज का आइकन है आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। सम कॉमनली यूज्ड आइकन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। जो कॉमनली बेसिक तौर पे होते हैं, जैसे हम कोई विंडो इंस्टॉल करें, न्यू विंडो इंस्टॉल करें, तो बेसिकली जो उस पर प्रेजेंट होंगे वो ये वाले हैं। माई कंप्यूटर, ये माई कंप्यूटर का है, देखो ये पिक्चर आ गई माई कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की, और नीचे लिखा हुआ है माई कंप्यूटर, ठीक है। किसी पे माई पीसी भी लिखा होता है, विंडोज का फर्क आ जाता है। रिसाइकल बिन, ये हमारा रिसाइकल बिन है, एक मग बना हुआ है, किसी पे डस्टबिन बना होता है, और ये रिसाइकल बिन नीचे लिखा हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे कि वेब ब्राउजर, ये हमारा ई के साइन से इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? आइकन्स। ये तीन के अलावा और बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है टास्क बार। क्या आता है? टास्क बार, जो मैंने आपको नीचे शो किया था, ये देखो यहाँ पे बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है इन्होंने पिक्चर में। ये ब्लू कलर की जो पेटल दिख रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार। सबसे पहले इस पे स्टार्ट बटन आ रहा है, उसके बाद क्विक लॉन्च आइकन्स, जिनको हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं और वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर नोन एज क्विक लॉन्च आइकन्स, राइट। देयर आफ्टर नोटिफिकेशन एरिया आ गया, यहाँ पर ये सारा नोटिफिकेशन एरिया जो ड्रॉप अप मेन्यू है, और ये डेट एंड टाइम बताया है, ये आपका नेट का सिंबल है, नेट चल रहा है,
राइट, ये नोटिफिकेशंस का फ्लैग होगा, कोई अपडेट्स आ रहे हैं वो, ये साउंड के लिए जैसे क्रॉस आया होता है इसका मतलब ये इस पे साउंड जो पिक्चर में है वो ऑफ की हुई है, क्लोज की हुई है, म्यूट किया हुआ है। जी बेटा, विच वन? सॉरी मेरे को समझ नहीं आया आप कहाँ पे कह रहे हो। ये पीएस लिखा हुआ है, ये जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं। ओके बेटा, जैसे ये वर्ड की फाइल है ना, ये फोटोशॉप की फाइल का आइकन है, ये मींस जो उन्होंने फाइल ओपन की हुई है तो उसका आइकन है, ये जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है उसका आइकन है। ठीक है बेटे। ओके, द स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल बार सीन एट द बॉटम। यस हाँ जी, हाँ जी, यू कैन नॉट सी द स्क्रीन विच आई एम शेयरिंग विद यू। बेटा जो मैं जो स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ, पीडीएफ फाइल शो कर रहा हूँ, वो दिख रही है? Yes, बस वही देखना बेटे, लैपटॉप नहीं दिखेगा मेरा। ये स्क्रीन दिख रही है मेरे को, लग रहा है ये स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट। स्टॉप शेयरिंग, नाउ शेयर अगेन, दिस इज, किधर गया, ये रहा। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। दैट्स फाइन, थैंक यू। द स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल बार सीन एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन विद सम आइकन्स इज नोन एज टास्क बार। ये जो पूरी पेटल स्लीपिंग लाइन दिखाई है, स्लीपिंग बार दिखाई है, हॉरिजॉन्टल बार दिखाई गई है, कहाँ पर है? डेस्कटॉप के बॉटम पर है। इस पे कुछ आइकन्स भी हैं, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार, टास्क बार, राइट। अ टास्क बार हैज स्टार्ट बटन, अ टास्क बार हैज स्टार्ट बटन, देन क्विक लॉन्च आइकन्स, टूल बार कह लो, आइकन्स कह लो, नोटिफिकेशन एरिया, राइट, ये चीजें हैं इस टास्क बार में। वेरी नाइस। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट वॉट एप्लीकेशंस आर ओपन एंड आर एक्टिव। अब ये देखो, जो क्विक लॉन्च आइकन्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। अब इनमें से जो ये आपको थोड़े से उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स थोड़े से ये देखो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इनमें, इनका मतलब ये है। हाँ जी, सॉरी, इंडिकेट्स, INDICATE, इंडिकेट्स यानी कि संकेत करना, कुछ इशारा करना है किसी की चीज की ओर, जो अभी है उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। आप ये देखो, ये क्विक लॉन्च आइकन्स हैं। अब इनमें से जो ये वाला है और ये वाला, ये तीन आपको थोड़े से उनसे अलग दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से मीन्स कह सकते हैं उभरे हुए बॉक्सेस बने हुए इस पे कुछ, राइट। तो ये शो कर रहा है कि ये एक्टिवेट है, ये इंडिकेट कर रहा है ये एक्टिव है, इसको आप यूज कर रहे हो। ये मीन्स एक तरह से सिलेक्टेड शो हो रहे हैं, ये सिलेक्ट हो रखे, ये यूज हो रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ बेटे? ओके, सो इंपॉर्टेंट, क्या कह रहे हैं वो? एक बार आप अपने अपने माइक ऑफ कर दो। यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ टास्क बार फ्रॉम बॉटम ऑफ डेस्कटॉप टू एनी ऑफ इट्स साइड्स।
कहते यू कैन चेंज लोकेशन ऑफ टास्क बार, जो ये लोकेशन हम बॉटम पे है ना, ठीक है, इसकी हम साइड चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में रखते हैं, कोई राइट साइड में रखता है, कई बार कुछ लोग ऊपर भी रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जिस तरह से आपको सुविधा हो, एज यू फील कंफर्टेबल, आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हो, राइट। अब पढ़ते हैं हम स्टार्ट बटन के बारे में। स्टार्ट बटन क्या है, जब हमने इस पर क्लिक किया तो यहां पर ये एक स्क्रीन ओपन होगी, बार ओपन हो गई, ठीक है। स्टार्ट बटन इज लोकेटेड एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप इन टास्क बार, ये चीज मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर ली है। स्टार्ट बटन ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू विच कंटेन्स वेरियस प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। When you will click on this computer, it will show you the list of all the softwares and the programs which are installed in your computer. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये बार ओपन होगी, लिस्ट ओपन होगी, इसमें आपके जो भी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सबकी लिस्ट आपको दिखेगी, ताकि आप उनको यूज करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने यही चीज इस पिक्चर में शो की है। इसी पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, ये साइड में मेन्यू है, इस पे क्लिक करके रीस्टार्ट कर सकते हो, या फिर शट डाउन कर सकते हो। लेट मी शो यू, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूं, पहले ये वाला रीड करके फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। द स्टार्ट मेन्यू गिव्स लिस्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल गेम्स, पेंट, एमएस ऑफिस, शट डाउन एक्सेट्रा, सो मीन्स ये सारी चीजें मैंने अभी आपके साथ वर्बली डिस्कस कर ली हैं। कैसे, लेट मी क्लियर यू वंस अगेन, लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू। ये हुआ उसका ऑफ, और ये मैं आपके साथ डेस्कटॉप शेयर करूँ। ये मेरा डेस्कटॉप आपको दिख रहा है, कैन यू सी, एक बार माइक ऑन करके यस बोल दीजिए, उसके बाद आप ऑफ कर सकते हो। यस सर, थैंक यू। अब ये देखिए, जब मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ये एक लिस्ट ओपन होनी है, ठीक है। वो विंडो का डिफरेंस है एक्चुअली, वो विंडो मेरी 7 या 8 होगी, तो उसमें ऐसे वो ओपन होते हैं, ये विंडो 10 की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब जो ये है, ये सारे इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं और प्रोग्राम्स हैं उसकी लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहां से ओपन कर सकता हूं, कैन यू सी, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको दिख रहा है, राइट। ये देखिए, यहां पर ये वाला जो बटन है, इस पे पावर लिखा हुआ, वहां पे शटडाउन लिखा हुआ था, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये तीन ऑप्शंस आ गई, स्लीप, शटडाउन और रिस्टार्ट, ठीक है। जिस पे भी मैं क्लिक कर लूं वो वैसे ही हो जाएगा। रिस्टार्ट माने एक बार शटडाउन हो गया कंप्यूटर अपने आप से, फिर रिस्टार्ट होगा। शटडाउन मीन्स आप प्रॉपरली इसको बंद कर रहे हो। स्लीप, आप कुछ समय के लिए इसको, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, स्लीप मोड में रख देते हो, ठीक है। आप आके कोई भी बटन प्रेस करो तो वो दोबारा से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका स्टार्ट बटन का सारा खेल, राइट। क्लियर हो गया, माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। थैंक यू। ये ऐसे ही मजा नहीं आएगा, मजा तब आएगा जब आप अपने पेरेंट्स को इसको एक्टिविटी के रूप में करके दिखाओगे कि आज मैंने क्या सीखा, ये क्या चीज है, ये जैसे आइकन है और आपने स्टार्ट बटन में क्लिक किया, सारा आपको दिखाना है। इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली शो कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल भी हो रहा है आपका, राइट। तो आपको ये प्रैक्टिकल अपने पेरेंट्स को करके दिखाना है, राइट। अब आप अपने माइक्स ऑफ कर सकते हो। सो
अभी हमने सारा शटडाउन के बारे में भी पढ़ लिया, एक बार हम इसको रीड भी कर लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। शटडाउन, टू शटडाउन योर कंप्यूटर जस्ट क्लिक द स्टार्ट बटन एंड क्लिक शटडाउन बटन, सर्च प्रोग्राम एंड आपने नीचे देखा था इस तरह का वहां पे सर्च बना हुआ था, टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ था वहां पर वीडियो में जब मैं शो कर रहा था डेस्कटॉप अपना, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था। यहां पर क्या है, आपके कंप्यूटर में कुछ आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, आप उसका नाम यहां पर लिख के इजिली सर्च करके वहां पे पहुंच सकते हो। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सर्च और फाइंड थिंग्स इन द कंप्यूटर। टू फाइंड अ सेव्ड फाइल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, टाइप द नेम ऑफ द फाइल यू वॉन्ट टू सर्च इन द सर्च बॉक्स, जो आपको सर्च बॉक्स वहां पर दिखेगा उसमें जोन सी फाइल आप ढूंढना चाहते हो उसका नाम लिखें। यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स फाइल्स पिक्चर्स एक्सेट्रा विद द स्पेसिफाइड नेम, जो आप नेम लिखेंगे उस नाम से जितनी भी आपके कंप्यूटर पे फाइल्स सेव्ड हैं वो सभी आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। जोन सी भी आपकी प्रॉपर फाइल है आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, राइट, यू कैन ओपन द पर्टिकुलर फाइल विच यू वॉन्ट टू एक्सेस, राइट। देयर आफ्टर स्टेप थ्री, क्लिक द रिक्वायर्ड फाइल टू ओपन इट, दैट विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, टोल्ड टू यू। नाउ कम टू द क्विक लॉन्च टूल बार, इट कंटेन्स द आइकन्स विच आर फ्रीक्वेंटली बींग यूज बाय द यूजर्स while working applications can be accessed quickly by clicking once on these icons. These also helps you to switch between opened applications. Let us read again and understand the meaning. It contains the icons which are frequently being used by the users. माने के suppose करो मैं और आप users हैं, आप अपने laptop पर या mobile पर या mobile पर we can say computer पर, और मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर यूज कर रहा हूं और मैंने जो टास्क बार पर है मैंने कुछ जैसे वर्ड का फाइल मेरे को यूज करना है, एक्सेल का फ्रीक्वेंटली यूज करना है, तो मैं उसको यहां पर अपने टास्क बार पे पिन कर लेता हूं ताकि उसको मैं इजिली बटन प्रेस करूं, उसको क्लिक करूं और उसको ओपन कर लूं तो क्विकली मेरा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज क्विक लॉन्च टूल बार आइकन्स। While working applications can be accessed quickly by clicking once on these icons, these also helps you to switch between opened applications. System tray ये Windows 7 में mostly आती है, right? This portion displays the current date and time. मतलब अगर हम side वाली बात करें तो अगर sorry gadgets की बात करें, system tray तो ऊपर आ गई, sorry. मेरा दिमाग थोड़ा सा इन पिक्चर्स की तरफ चला गया था। जो सिस्टम ट्रे है ये हमारा राइट साइड में आता है, बिल्कुल राइट साइड में, जहां पे आपको डेट एंड टाइम के बारे में या जो नोटिफिकेशंस हैं या फिर साउंड के म्यूट किया है या अनम्यूट है कंप्यूटर का लैपटॉप का और आपका नेट चल रहा है, कोई अपडेशंस हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में आपको यहां पर सिस्टम ट्रे में सारा क्लियर होगा, राइट। उसके बाद आते हैं गैजेट्स। आप अभी मोबाइल हाथ में रखे हुए ये भी एक गैजेट है, ठीक है, तो देयर सो मेनी गैजेट्स। सो कंप्यूटर के गैजेट्स के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले रहे हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ हेल्पफुल प्रोग्राम आइकन्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे देखो क्लॉक था, कैलेंडर है, कोई पिक्चर पजल का गेम है या स्लाइड शो के लिए है, मतलब कुछ और भी हैं, तो ये सारे क्या है इनके गैजेट्स। These provide information regarding clock, date, weather, CPU usage, भी CPU कितना use हो रहा है, कहाँ कहाँ utilize हो रहा है, कितना busy है। Also, you can easily get access and manage frequently asked item using gadgets, right? तो ये सारा gadgets है। आगे उन्होंने एक activity दी है, blank desktop or Windows operating system is given below. Draw the following wherever these are present on the desktop screen. आप अपनी books पे कर सकते हो इसको easily. Whereas I would like to ask you by just telling me. मैं point out करूंगा जो screen पे आपको बताना है yes or no. आप अपने mics on कर लो, one by one I will ask you and you have to tell me whether it is right or wrong. Okay?
नाउ स्विच ऑन योर माइक्स. हाँ जी, सबसे पहले गीतांशी. गीतांशी कैन यू हियर मी? आपकी आवाज नहीं आ रही गीतांशी, आपकी आवाज. चलो कोई बात नहीं, थोड़ी स्लो आ रही है. मैं अब क्लॉक और डेट के बारे में बात कर रहा हूं, क्लॉक डेट एंड टाइम के बारे में. मैं स्क्रीन पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, आपको यस और नो बताना है. यहां पर होती है क्लॉक डेट, डेट एंड टाइम. जो मेरे ये पॉइंटर, ये देखो पॉइंटर, आप स्क्रीन पे देखो मैं पॉइंट कर रहा हूं. ये यहां पर होती है यस और नो, यहां पर होती है, यहां पर होती है. अब दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट. पॉइंटर ये देखो यहां पर होता है, इज इट हियर? यस, यहां पे आएगा सिस्टम ट्रे में. ओके, ये सिस्टम ट्रे में आएगा. यहां पर, यहां पे टास्क बार नहीं बना हुआ ना बेटे, तो आपको जस्ट पोजीशन बताना है भी हाँ इस साइड में आएगा. ओके गीतांशी, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो. अब है गुरु साहिब की बारी. आपको बताना है माय कंप्यूटर आइकन यहां पर होता है. यहां पर होता है, यहां पर होता है. साथ में हर जन्नत बैठी हुई है. मेरे को लग रहा है बेटे. चलो कोई बात नहीं. ओके थैंक यू. अब आती है बारी थर्ड पार्टिसिपेंट हमारे साथ है देवांश. हाँ आप अपना माइक ऑफ कर दो देवांश. हाँ जी बेटा, रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन यहां पर होगा? सर, यहां पर होगा. यस, अच्छा यहां पर हो जाएगा बेटे. वैसे यहां पर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. वो तो स्क्रीन की हम जैसी सेटिंग करेंगे वैसे हो जाएगा. बेसिकली हम यहां पर ही देखते हैं, ठीक है, यहां पर इसी रो में. और स्टार्ट बटन भी बता दो बेटा, स्टार्ट बटन कहां होगा? यहां पर होगा. नो सर, यहां पर होगा. नो सर, हियर? हियर? यस सर. वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू. आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया. तो आज का आपका टास्क यही है कि आपको ये एक्टिविटी अच्छे से करनी है और अपने पेरेंट्स को प्रैक्टिकल दिखाना है कर कर, ठीक है? क्या बेटे? गैजेट्स, गैजेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, राइट साइड में आ जाते हैं मोस्टली, एक लाइन में, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अटेंडेड दिस क्लास. Did you enjoy the class? Yes. Okay. Did you understand whatever we have learned today? Yes, sir.
डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सपोज इफ आई आस्क यू टू शो मी और परफॉर्म अ प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट एंड मेक अ वीडियो टू एंड सेंड इट टू मी, कैन यू डू दैट? श्योर? ओके, सो टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल विच वी हैव डन ऑन द डेस्कटॉप, कि वेयर इज अ टास्क बार, वेयर आर द आइकन्स, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू ओपन द क्लिक द स्टार्ट बटन, देन यू हैव टू टेल वट इज प्रेजेंट इन द स्टार्ट बटन, वट आर दो सॉफ्टवेयर एंड समथिंग, वट एवर यू नो मैक्सिमम यू कैन टेल टू योर पेरेंट्स यू हैव टू टेल. ओके, राइट, फाइन. ओके, नाउ यू कैन क्लिक द रेड बटन. Thank you.